जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और आर्मी के वैकेंसीज की बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास करके मैं लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज जो कि दोस्तों उड़ीसा में है, उसमें निकली भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, यह है हमारे सामने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर और इस न्यूज़पेपर में अगर आप दोस्तों देखेंगे तो 4 जून से 10 जून 2022 के बीच की जो है वो अपडेट दी गई है। तो इस न्यूज़पेपर के आप 31 नंबर पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, ठीक है, ये भी एक आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें क्या है दोस्तों, लोअर डिविजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और लेबोरेटरी असिस्टेंट्स की जो है वो भर्ती निकली है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपके लिए बता दूं, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है नीचे। इस एप्लीकेशन के फॉर्मेट के लिए आप टाइप करा के और आपके लिए जो है वो ऑफलाइन भेजना है, ठीक है। तो आपके लिए ऑफलाइन किस पते पर भेजना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहां पर जो है वो इस सेंटर का एड्रेस दिया गया है, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, गोलाबंधा, PO, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, पिन नंबर है 761052। यहां पर आप अपना जो है वो फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसमें निकली वैकेंसीज के बारे में, ठीक है। तो खास करके दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको लोअर डिवीजन क्लर्क और जो है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड की भर्ती के बारे में जानकारी दे सकूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में, ठीक है। तो लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती अगर आप देखना चाहते हैं, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों 18 से 30 साल होनी चाहिए और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपकी एज 40 साल भी ली जाएगी, ठीक है। लेवल 2 होगा आपका पे लेवल और आपके लिए जो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो होगी आपकी 12th क्लास पास होना जरूरी है, इंग्लिश या फिर हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश का टेस्ट होगा आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको स्पीड दिखानी होगी और हिंदी में आपके लिए वही स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होगी। दोनों ही टेस्ट आपके ये कंप्यूटर में होंगे। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं हम स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की। तो अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर वैकेंसी ओनली 1 है दोनों में ही, मतलब एक लोअर डिविजन क्लर्क और वो एक है स्टेनोग्राफर की। तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 40 साल तक लिया जा सकता है। पे लेवल दोस्तों आपका 4 होगा, 25,000 से 81,100 रुपए तक आपकी जो है वो बेसिक पे होगी। उसके बाद में दोस्तों क्लास 12th पास होना जरूरी है और आपके लिए दोस्तों स्किल टेस्ट यानी कि जो है वो शॉर्ट हैंड आनी जरूरी है। शॉर्ट हैंड अगर आपको आती है तो आपका 10 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से जो है वो शॉर्ट हैंड को लिखना होगा। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस भर्ती के लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अप टू 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो 45 डेज 4 जून से आप आगे लगा लीजिए तो करीब पूरा जून का महीना हो गया, 15 जुलाई और 4 दिन इसमें आगे बढ़ा दीजिए तो करीब 19 जुलाई 2022 तक आप इसमें जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये जो न्यूज़पेपर है इसके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है इसको आराम से टाइप करके भेज सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपको इस वैकेंसीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। दोस्तों ये आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर जैसे हम GD क्लर्क जो भी होते हैं इसमें हम भर्ती होकर जाते हैं तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग यूनिट्स में चले जाते हैं। तो ये जो लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर है इसी सेंटर में आर्मी के साथ में ही भर्ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आर्मी की भर्ती नहीं है, बस ये सिविल ड्रेस की भर्ती है यानी कि सिविल डिफेंस की, ठीक है। आर्मी के साथ में आपको काम करना है और आर्मी की जो फैसिलिटीज हैं वो भी आपको मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।